अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बना रहे हैं मंचूरियन, जो कि हम वेज मंचूरियन बनाएंगे। तो ये मैंने गोभी ली हूँ, ये देख सकते हो, और इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है, ये देख सकते हो। और मैंने इसको किस चॉपर में चॉप किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ भी इतना स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल है। ये देखिए, ये वाला चॉपर है जिसमें मैंने इसे चॉप किया है। तो इजीली ये किसी भी शॉप, बर्तन वाली शॉप में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिया है, यानी कि प्याज की भाजी भी बोलते हैं। और ये उसी प्याज की भाजी का जो ऊपर प्याज होती है वो प्याज ली है, शिमला मिर्ची ली है। और इस यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को चॉपर में डाल के मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था। और अभी हमें क्या करना है, तो अभी ये जो गोभी को मैंने चॉप किया है इसी के अंदर हमको कॉर्नफ्लोर डालना है। तो पहले मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा, और ध्यान रखें नमक इसमें कम ही ऐड की करिएगा, क्योंकि जब हम इसमें सॉस डालेंगे सॉस में ज़्यादा नमक होता है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, तो करीब एक चौथाई चम्मच के करीब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। और अभी मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करी, कॉर्नफ्लोर आपको इतना ऐड करना है। अभी मैं तो सिर्फ दो चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ, ये देख सकते हो। अगर मुझे लगेगा तो मैं और ऐड करूँगी। और एक चम्मच इसमें मैंने मैदा ऐड किया है, तो दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और एक चम्मच मैदा लिया है। और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, ताकि नमक है और जो हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है वो भी अच्छे से आपस में मिल जाए, ये देख सकते हो। अभी हल्का हल्का सा एक से दो चम्मच के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ये देखिए। बस हल्का सा पानी हमें ऐड करना है, ये देख सकते हो। अभी मुझे ये इसमें कम लग रहा है, तो कॉर्नफ्लोर में और इसमें ऐड कर दूँगी अभी। तो और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया। तो करीब मैंने इसके अंदर 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, और एक चम्मच मैंने दो चम्मच के करीब मैदा, क्योंकि पहले एक लिया था और अभी फिर एक डाल दिया। और इस तरीके से मेरे को इसका एक डो टाइप में लगा लेना है, और बहुत ज़्यादा हमको थिक डो नहीं लगाना है। तो अभी मैं इसके अंदर एक ये डालने वाली हूँ, खाता सोडा, ये देख सकते हो। जी हाँ, ये खाता सोडा मैं इसमें ऐड करूँगी, जो कि हम जो ये आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इसके अंदर खाता सोडा भी जाता है, लेकिन खाता सोडा इसमें जाएगा जब भी ये फूले फूले और एकदम अंदर से जो सॉफ्ट जो जूसी बनते हैं इसीलिए बनते हैं। जब आप अपने इसमें खाता सोडा नहीं डालोगे ना, तो ये एकदम ऐसे ना ये हो जाएंगे, जैसे अंदर जूस नहीं ले पाएंगे और एकदम ऐसे टाइट ही रहेंगे ये। तो ये देखिए, इस तरीके से हमको आपके हिसाब से आप बॉल छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तेल भी गरम करने रख दिया था, और बॉल पहले बनाकर ना रखें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर होता है तो जो हम बॉल बनाकर रखेंगे तो फैलने लगेंगे। तो फौरन आप एक साइड में आप बॉल हाथ से बनाते जाए और तेल में इन्हें छोड़ते जाए। तो आप साइज़ इसका कुछ इतना ये नहीं है, आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा, तो मैं ना छोटा बना रही हूँ ना बहुत बड़ा, मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर मंचूरियन बॉल बनाया है। ये वेज है, आप चाहो तो इसमें और भी हरी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है। शिमला मिर्ची, आप चाहो तो इसके अंदर गाजर वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से, और इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, सिर्फ लाइट ब्राउन कलर ही आने देना है इसके ऊपर। तो देखिए मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ। और मैंने ये ना एक गोभी, जो अक्खी वाली गोभी ली थी, उसका आधा हिस्सा मैंने लिया है। तो आप देख सकते हो उसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसी टाइम से निकाल लूँगी बाहर, तेल अच्छे से बाहर निकाल ले, ये देख सकते हो। और बस ये रेडी है, अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बस ऐसे ही लाइट गोल्डन ही चाहिए। आप चाहो तो इसे मेरे यहाँ, तो मेरी जो छोटी बेबी है उसको ऐसे ही सादे भी बहुत पसंद है, वो इस तरीके से भी खाती है। जैसे ये गोभी के पकोड़े भी हो गए। और ये देखिए, मैंने उसी कढ़ाई के अंदर एक जो तेल में हमने फ्राई किया था, तो करीब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल लिया है। अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च का मैंने चॉप किया था वो भी इसमें मैंने थोड़ा ऐड कर अभी तेल में डाल दिया है। और ये हरी प्याज के ऊपर वाली जो प्याज होती है, तो वो प्याज मैंने ली है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। और हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ये सब्ज़ियाँ थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती है, क्रंचीपन रहेगा इसके अंदर तो ही ये खाने में
अच्छा लगता है। और शिमला मिर्च मैं एंड में डालूंगी क्योंकि वो जल्दी से पक जाती है, इसीलिए मैं उसे एंड में यूज़ कर डालने वाली हूँ इसके अंदर। तो अभी इन सब चीज़ों को तेल के अंदर थोड़ा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको पूरा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा। और अभी इसके अंदर मैं सॉस ऐड कर रही हूँ, तो मैं अभी डालूँगी इसके अंदर 2 चम्मच के करीब सोया सॉस लेंगे। तो मैंने ये 2 चम्मच नॉर्मल चम्मच है जो अपने घर में स्टील की चम्मच होती है, उसी चम्मच के मेजरमेंट के हिसाब से आप ये कीजिए। और देखिए ये मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्रीन चिल्ली सॉस, तो ये मैं 2 चम्मच के करीब ग्रीन चिल्ली सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये देखिए। और मैं इसके अंदर रेड चिल्ली सॉस डालूँगी, तो वो भी 2 चम्मच ही डालना है। तो मैं 2-2 चम्मच के मेजरमेंट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ध्यान रखें सॉस में बहुत ज़्यादा विनीगर होता है, तो विनीगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही चम्मच डालूँगी, क्योंकि जो सॉस है उनमें भी ज़्यादा विनीगर होता है, तो ये 1 ही चम्मच के अंदर कवर हो जाएगा। आप अगर पसंद करते हो तो डालें, या नहीं पसंद कर सकते तो नहीं डालें, ठीक है। अभी इन सब मसालों को अच्छे से इसके साथ ही सॉस जो है ना इनके साथ अच्छे से पकाएंगे, देख सकते हो। बस इस तरीके से इसे थोड़ा पकाते जाएंगे, और जैसे ही सॉस थोड़ा पक जाएगा तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और नमक का आप ध्यान से डालें क्योंकि सॉस में नमक होता है, और हमने जो मंचूरियन बॉल्स बनाए हैं उन बॉल में भी हमने नमक डाला है। और ये मैंने डाल दी है हर ग्रीन्स, ये डाल दिया है काट के, और ऊपर से शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। तो ये देख सकते हो अभी अच्छे से इसको थोड़ा और मैं भून लूँगी, और उसके बाद में मैं इसके अंदर बॉल ऐड करूँगी, ये देखिए। और अभी मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, तो शक्कर जो है ना ऑप्शनल है, लेकिन आपका जो आपने सॉस डाला है उसको बैलेंस करती है शक्कर डाल, मुझे तो अच्छा लगता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें शक्कर ऐड किया है, ये मसालों को बैलेंस करता है। जो मसालों में विनीगर का जो खट्टा सा जो टेस्ट आता है ना, ये उसको बैलेंस करती है, तो ये खाने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना इसमें रेड फूड कलर डाला है। बच्चों को ऐसा होता है ना कि जो बाहर हम रेड वाला मंचूरियन लेकर आते हैं बाहर जैसा होता है, घर में क्यों नहीं वैसा बनता, तो आप अगर इसमें थोड़ा रेड फूड कलर डालोगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि ये बाहर के जैसा ही है। बच्चों को एक ये होता है कि बाहर हम जैसा खाते हैं वैसा ही, तो बड़ी शौक से खाएँगे। और ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहे कलर तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। मैंने हल्का सा ही रेड कलर डाला है इसके अंदर, तो देख सकते हो अभी मैंने और इसके अंदर ना 1/2 कप के करीब मैंने पानी भी लिया है, ताकि जो मंचूरियन बॉल है ना वो अंदर से भी पूरे इसे सॉफ्ट हो जाए, सूखे सूखे ना लगे। तो मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला था, और अभी मैंने ये कॉर्नफ्लोर को पानी में भिगो घोल कर एक स्लरी बना ली थी, और अभी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ। और अब अच्छे से इसको उसके साथ मिलाऊँगी ताकि एक थिकनेस हो जाए, और मंचूरियन के ऊपर सारा मसाला जो है ना अच्छे से मंचूरियन के ऊपर लिपट जाए, जो मंचूरियन बॉल्स है उसके ऊपर। तो एक कॉर्नफ्लोर का इस तरीके से आपको एक स्लरी बना लेनी है, और ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। तो ये मंचूरियन जो है अब रेडी है, ये देख सकते हो, और ये कितने यम्मी दिख रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत टेस्टी बने थे। तो ये देख सकते हो, अभी मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए रेडी हो चुके, और इसका कलर भी आप लोग देख सकते हो, एकदम लग रहे ना बाजार जैसे। तो ये प्लेट निकाल ली है यहाँ पर, अभी प्लेट के अंदर हम निकालेंगे मंचूरियन, ये देखिए। तो आपको मैं अभी तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने हो। और अगर आपको इसको लिक्विड वाला करना है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रख दे, 2 कप के करीब पानी ले ले, और 2 कप के करीब पानी के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर को भिगो दे, उसका एक स्लरी बना लेनी है, और इसको ही आपने उस गर्म पानी के अंदर इसको डाल देना है, और उसे आप हिलाओगे अच्छे से मिक्स करके, एक थिक ग्रेवी जैसा इसका रेडी हो जाएगा। तो ग्रेवी मंचूरियन आपका रेडी हो जाएगा। अगर आपको ग्रेवी वाला मंचूरियन की रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसी वाले मंचूरियन के अंदर पानी ज़्यादा ऐड कर दें, और बस इस तरीके से। और ये लीजिए, देख सकते हो आप लोग, मैं आपको करीब से जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये कितने अच्छे और कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में, और ये यकीन माने बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में भी।
तो ये लीजिए हमारे मंचूरियन जो है भाई अब तो रेडी हो चुके हैं। आप डिनर में बनाए, लंच में बनाए या बच्चों को टिफ़िन में बना कर दे। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये एकदम इजीली टूट जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और जिस किसी ने अभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए अंदर से भी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाले। तो मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।